पता नहीं यूट्यूबर्स को देख के भाई पैसे का वो हो गया कि पता नहीं कितने पैसे कमाते हैं। अनिल कपूर जी हंस रहे हैं अंदर। बहुत घने दिन के बाद मैं इस जमीन के ऊपर अपना भाई मिल लिया है। लो जी मल्होत्रा साहब दी ग्रेट हो गए हैं रेडी। आपको भी कोई बात बुरी लग रही हो तो आप भी माफ करना। शॉप भी है यहाँ पर। किसी भाई ने ओमान में आके रेमंड से कपड़े सिलवाए हों तो देख लो आपकी शॉप। अस्सलाम वालेकुम। सारी पाकिस्तान की आवाम यहाँ पे ज़्यादा हैं और उन्होंने कुर्ते पजामे पहने हुए हैं। बोलते हैं भाई ठीक है, कुर्ते पजामे से पहचान होती है पाकिस्तान के। चलो अच्छी बात है, देश के लिए कुछ तो कर रहे हैं, कुर्ते पजामे ही पहन रहे हैं वही ठीक है। आएगा आएगा इंशाल्लाह। ये भाई है भाई ये भाई पाकिस्तान से फिर मिला है। कह रहा है यार पैसे कमा रहा है। सही है, यूट्यूब पता नहीं यूट्यूबर्स को देख के भाई पैसे का वो हो गया कि पता नहीं कितने पैसे कमाते हैं। मैं आज तक अपनी बता दूं, जितने मैं पहले टूर पे पैसा खर्च के आया था ना, उतना पैसा भी मुझे अभी तक यूट्यूब से आया नहीं। और मैं कभी सोचता नहीं यूट्यूब से पैसे के बारे में, क्योंकि मैं उस तरह की ट्रैवलिंग ही नहीं करता कि पैसा बच सके। और इनकम भी वही हिसाब से होती है। हैं इनकम के लिए मैं अपना काम करता हूँ। मेरे बहुत ईश्वर की कृपा है, बड़ी रब की कृपा है। तो भाई मैं इतनी मेहनत है ना इस यूट्यूब में, शुक्रिया पहले तो मिलूँ तुमसे, इतनी मेहनत है ना यार पूछो मत। और उसके बाद ऐसा लगता है भाई लोगों को पता नहीं कितने पैसे कमा रहे हैं। वैसे मैं तो शौकिया ये काम कर रहा हूँ पैसे कमाने का अपने पास दिल्ली में, अपने ऑफिस बतेरे और काम करने को मेरे राज भाई बतेरे। तो काम की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है काम की, पैसे भी कोई कमी नहीं है, भगवान की बहुत कृपा है। और यूट्यूबर्स खासकर यार ट्रैवल यूट्यूबर बहुत मेहनत करता है। रात को आपको नींद भी आ रही है, आपको अपने गैजेट्स वगैरह फिर चार्ज करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों से अच्छे बुरे लोग मिलते हैं रास्तों में चलते हैं, मज़ा भी आता है। तो पैशन जो है वो ट्रैवलिंग है और यूट्यूब से आप लोग मिल गए। जो मेरी कमाई है वो आप लोग हो यूट्यूब की, और आप लोग ज़्यादा बड़ी कमाई हो पैसे से। तो भाई मैं पैसे को नहीं समझता, मैं आप लोगों के प्यार को समझता हूँ। बस ये प्यार दिए जाओ, पैसा मैं बहुत कमा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं। पीछे एक है लुलू हाइपर मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है ये, दुबई वगैरह में भी है, सऊदी अरब में भी है। बहुत लोग कहते थे भैया अंदर से दिखाना, लेकिन ये इतनी बड़ी मार्केट होती है कि अंदर अगर चला गया एक बारी तो फिर रात ही हो जाएगी, निकल नहीं पाऊँगा। इसलिए हम आराम से अपना रास्ता रास्ता चलते हैं। ठीक है भाई, सब ठीक है? चलो। हाँ जी, चाय चल रही है? ठीक है, काली चाय, अरबी चाय, बहुत बढ़िया, पिए जाओ। चलो भाई आज का यही था अपना। जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, आप बताएं कैसे हैं? वो देखो लुलू कहाँ तक है, मतलब यहाँ से वो पूरी एंड तक है, बहुत बड़ी मार्केट होती है। सब लोग जो लोकल हैं अपने इंडिया पाकिस्तान वगैरह के सारे, वो सब लुलू से ही शॉपिंग करते हैं ज़्यादातर। लुलू भाई, सारे भाई बंद सब, मतलब आपको लगेगा ही नहीं अरबी बेचारे खो गए हैं कहीं ओमानी, ये कलपते भी होंगे शायद इंडियन से, पाकिस्तानियों से। सबसे ज़्यादातर जो लेबर जॉब पे हैं वो तो पाकिस्तान के लोग दिखे, फिर और जो हैं वो बांग्लादेशी भी हैं लेबर जॉब पे। इंडियंस जो हैं वो मुझे लेबर जॉब वगैरह पे कम दिखे हैं, या शायद मैं जिस एरिया में हूँ यहाँ पर इंडियंस नहीं होंगे, दूसरे एरिया में होंगे। तो पता नहीं, वो आप लोग बता देना भाई कौन कहाँ क्या जॉब करता है। और बांग्लादेशी ज़्यादा हैं, पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा बांग्लादेशी हैं। ये भाई कल्याण ज्वेलर्स, और कई बार ऐसे सीधी खड़े होकर वीडियो बनाओ तो कोई ना कोई निकल के आ जाता ज्वेलर्स वगैरह की शॉप से कि भाई क्यों वीडियो बना रहा है, आ जाते हैं किस लिए बना रहा है, तो अपनी तरफ फेस करके कैमरे का तो पीछे से दिखा दिया जाता है, तो नहीं इतना कोई फील करता। वैसे सीधा खड़े होके बनाओ तो दिक्कत रहती है कई बार, तो आप पीछे से देख लो भाई। कल्याण ज्वेलर्स, मालाबार ज्वेलर, और ये ज्वेलरी की शॉप हैं दो चार और भी, नफीसा। रेट वगैरह पता कर दिए थे मैंने कल जब पहले दिन आया था यहाँ, मस्कट रेट सब एक जैसे होंगे। तो अगर सोने के रेट जानने हैं तो भाई पहले वाली वीडियो देख लेना, उसमें पता लग जाएगा। पीछे मालाबार ज्वेलर में अनिल कपूर जी की फ़ोटो लगी हुई थी,
और मुझे लगा कोई घूर रहा है, अनिल कपूर जी हंस रहे हैं अंदर। और अगर आपने कोई रेंट अ कार हायर की हुई है तो कहीं कहीं यहाँ पर पार्किंग जो है वो फ्री है और कहीं कहीं चार्जेबल है। तो जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ चार्जेबल पार्किंग है और चार्ज है 30 मिनट के लिए, 60 मिनट के लिए और 120 मिनट के लिए। यहाँ चार्ज लिखा नहीं हुआ लेकिन 30 मिनट का चार्ज आधा रियाल है, 60 मिनट का एक रियाल है, 120 का पता नहीं किसी भाई ने इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत है तो भाई करेक्ट कर देना कमेंट्स में, और करेक्ट है तो भी करेक्ट कर देना क्योंकि मुझे किसी से पता लगा है तो आप करेक्ट करना। बस पकौड़े, जूस और चाय, पूरी भीड़ लगी हुई है, चाय का टाइम है, 5:30 बजे हैं, सारी दुकानें अभी खुली हैं तो इसलिए चाय कॉफ़ी की दुकानों पे पूरी भीड़ है। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरत की होती है वो होती है मेडिसिन, और मेडिसिन यहाँ मस्कट में बहुत महंगी है। लाइक मैंने अभी जो रेट ट्राई किए, एक ब्रूफिन की जो स्ट्रिप है, ब्रूफिन जो पेन किलर आप सब जानते हैं, ब्रूफिन की स्ट्रिप यहाँ पर 120 इंडियन रुपीज़ की है 10 टैबलेट, और इंडिया में आई थिंक वो 20 रुपये के आसपास होगी। तो और कल मैं एक ORS का पाउच लेने गया था तो ORS का पाउच जो 200 ml पानी में डिसॉल्व करने के लिए वो मिल रहा था 60 रुपये का, और इंडिया में आई थिंक 10-15 रुपये का मिलता और वो 1 लीटर पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो मतलब 6 से 8 गुना महंगे रेट हैं फार्मेसी के। और मैंने अंदर बात की कि ये क्यों महंगे हैं, तो उन्होंने बोला भाई ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, यूरोप से सारा सामान आता है फलाना, तो जो भी है तो बहुत महंगी है मेडिसिन। अगर आप घूमने आ रहे हैं मस्कट या ओमान आ रहे हैं तो आप जो भी आपकी मेडिसिन है वो साथ लाएं। बंदे को कई बार लगता है यार ये पैनाडोल और ये ब्रूफिन वगैरह तो मिल जाएंगी वहीं से ले लूँगा, तो यहाँ 6 से 8 गुना रेट ज़्यादा है। और मैं फिर सजेस्ट करूँगा जब भी आप किसी जगह निकले ट्रैवल करने को एज अ टूरिस्ट, तो आप अपना इंश्योरेंस ज़रूर करा लें, मेडिकल इंश्योरेंस। जो यहाँ लोग रहते हैं उनके लिए ये महंगी नहीं है क्योंकि सैलरीज उस हिसाब से हैं, और जो मजदूर लोग आते हैं उनको जो है उनके कपील जो कि ऑनर हैं वो सब कुछ स्पॉन्सर करते हैं, रहना खाना और मेडिसिन शायद, और मेडिकल भी करते ही हैं अगर भाई कन्फर्म नहीं है, नहीं करते तो कमेंट में बता देना कि नहीं करते। वैसे सब कुछ स्पॉन्सर होता है उनकी तरफ से, और जो सैलरी है वो सूखी सूखी बच जाती है, जो अपना पर्सनल थोड़ा बहुत कभी खा पी लिया वो खर्चा होता है, तो मजदूर लोग जो आते हैं वो है। कंपनियों से जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी उस हिसाब से मिलती है तो काम चल जाता बहुत ज़्यादा, फिर महंगी नहीं पड़ती क्योंकि सैलरी भी उस हिसाब की होती है। बहुत देर बाद कोई इंडिया से मिला है मुझे, और ये भी यहाँ घूमने आए हुए हैं, सूरज भाई, हाय, प्रशांत, प्रशांत भाई, हाय, नाम आप, वरुण, वरुण, आतिश, आतिश। तो ये भाई यहाँ पर घूमने आए हुए थे और मैं खड़ा था यहाँ पे अपनी शॉप है रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स करके। ओमानी हलवे के बिना ये ओमान का जो ट्रिप है ना वो अधूरा रह जाएगा, लेकिन ओमानी हलवा यहाँ मिल ही नहीं रहा, मिल रही है भाई अपना वही देसी काम, देखो भाई बना रहा है टिक्की बर्गर, क्या शम्मी कबाब, वेज शम्मी कबाब है, और सारी मिठाइयाँ लगी हुई हैं। भाई आप लोग क्या चाय पीने आए? चाय लगा दो भाई 5 कड़क। एक और कहाँ है? चार, एक और था ना आपके साथ, चार ही हो ना, और क्या खाओगे? पहचान जी, मेरे साथ आप भी हो, 5 नहीं 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 आप सारे मेरे साथ हैं। तो भाई ये भाई अपने महाराष्ट्र से हैं, चाय लगवा दी है 5, ठीक है भाई। कोई मैसेज किसी को देना हो कहीं? कोई मैसेज नहीं, बहुत अभी हम लौट ही रहे, वापसी जा रहे हो? चलो वापसी जाके दोगे, वीडियो पे नहीं दोगे? दे दो फिर, नहीं दोगे तो मैं देता हूँ। स्टाइल में सर, मेरे स्टाइल में, मेरे स्टाइल में जय हिंद, जय शिवाजी राजे, मेरा भारत महान, जय शिवाजी, भाई जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र और जय हिंद, जय हिंद सबसे पहले है ना, फिर ठीक है। ले मेरे वीर, तेरा पाकिस्तान भी खुश रहे, तू भी खुश रहे, तू बांग्लादेश का है वो पाकिस्तान का है, इंडिया, ये रेयर कॉम्बिनेशन ओमान में ही मिलता है। महाराष्ट्र वालों भाइयों के साथ चाय पी ली है और
अब इनसे विदा लेंगे अपने प्यारे देश के झंडे के साथ। ये मैं बहुत सारे लाया था और इन प्यारे भाइयों को लगा देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। और बहुत सारे अभी झंडे खत्म नहीं होंगे, सबके लगा के भेजूंगा तुम्हारे को भाई। ये बहुत सारे भाई हैं घूमने आए हुए हैं जो, ये अपना हरियाणा वाला। बहुत घने दिन के बाद मैं इस जमीन के ऊपर अपना भाई मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाइयों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते, नमस्ते। तो भाई लाइफ में पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप पे मैं हेयर कट कराने लगा हूँ। एक बात और है, अगर आप ओमान आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर जो छोटी शॉप्स हैं वहाँ पर कैश ही चलता है, कार्ड वगैरह नहीं चलता, तो कैश अपने पास रखें। और बहुत से देशों में कैश के बिना भी काम हो जाता है, जैसे कि न्यूजीलैंड में हम गए थे तो एक भी न्यूजीलैंड का डॉलर हमने कैश नहीं रखा था अपने पास। हर चीज़ हर जगह पे कार्ड चल रहा था, और ओमान में ऐसा नहीं है कि हर जगह कार्ड चल जाए, तो कैश अपने पास ज़रूर रखना। कैश का जो रेट है वो एयरपोर्ट में और सिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एयरपोर्ट पे अगर हम लगा रहे थे तो 230 इंडियन रुपीज़ के बराबर दे रहे थे वो, मतलब एक ओमानी रियाल 230 इंडियन रुपीज़ का मिल रहा था। और बाज़ार में आपको 198 में या 200 रुपए में, मोटा मोटा आप मान के चलो कि आप सिटी सेंटर में आएंगे या सिटी में कहीं भी लेंगे तो 198 से 200 रुपीज़ तक का एक रियाल मिल जाएगा। यहाँ पर एयरपोर्ट से आने के लिए आपको एक दो रियाल चाहिए होंगे जो बस में लगेंगे, और टैक्सी में आ रहे हैं तो वो अलग लगेंगे। टैक्सी के लिए जो सर्विस है यहाँ पर वो ओ टैक्सी यूज़ होती है ओमान में, और बाकी लोकल टैक्सीज चल रही हैं उनसे आप रेट वगैरह करके आ सकते हैं। बेसिकली अगर ओमान आ रहे हैं तो यहाँ कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला होना चाहिए, कोई ना कोई आपका नोन होना चाहिए, तो ज़्यादा ईजी रहेगा। लो जी, मल्होत्रा साहब दिख रेट हो गए हैं रेडी, और भाई का बिल बना है 3 रियाल, और भाई ये लो ये आपके लिए, ठीक है, थैंक यू। अब तो हंसते भाई, ये जो है यहाँ पर ओमान में जो सॉकेट यूज़ किए जाते हैं वो इस तरह के होते हैं। अगर आप एडोप्टर ला रहे हैं इंडिया वाला तो वो नहीं होगा, इस तरह का सॉकेट है यहाँ पर, तो इंडिया वाला जो एडोप्टर है वो यहाँ यूज़ नहीं होगा, अपना एडोप्टर अलग से कुछ लेके आए। और यहाँ पर जहाँ हर जगह श्री सुल्तान काबूस साहब की फ़ोटो लगी होती है, और सुल्तान काबूस साहब एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने ओमान को बनाने में बहुत मदद की, मतलब ओमान आज जहाँ पर है वो इन शख्सियत की वजह से ही है। तो सुल्तान काबूस जो हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट भी दी जाती है, और इनके अच्छे कामों के लिए दी जाती है, क्योंकि ओमान में ना रोड्स थे, कोई डेवलपमेंट कहीं कुछ नहीं थी, सिर्फ रेगिस्तान था, लेकिन सुल्तान काबूस की वजह से, उनकी बड़ी सोच की वजह से उन्होंने जो कार्य किए, उन्होंने जितना भी काम किया उनकी वजह से आज ओमान बहुत आगे है दुनिया में। और सुल्तान काबूस ने जो भी है अपने परिवार को साइड में छोड़ के, अपनी ज़िंदगी को साइड में छोड़ के, वो एक ऐसे राजा रहे जिन्होंने अपना कोई वारिस ऐसा नहीं रखा कि भाई वो गद्दी को पकड़े। उन्होंने देश को प्यार किया, उन्होंने देश के लिए काम किए अपने, और कोई ऐसी मतलब गद्दी पर था नहीं रखी कि भाई मेरे बाद मेरा बेटा ये वो, नहीं, उन्होंने सिर्फ देश के लिए काम किया। और सुल्तान काबूस को हमारा भी सलाम है, और सारा ओमान भी उन्हें बहुत प्यार करता है, चाहे कोई वो बाहर से आया हो चाहे कुछ भी, और पूरी दुनिया में कहीं भी ओमान का किसी से झगड़ा नहीं है। ये ऐसा देश है जिसका किसी से कहीं लड़ाई नहीं है, सबको आदर मान, सबको प्यार मिलता है इस देश में। तो ये है सुल्तान काबूस साहब, हर जगह इनकी फ़ोटो मिलेगी और इज्जत से मिलती है इनकी फ़ोटो। चलो ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा भैया जी, आपका भी शुक्रिया, आपने हमारा इंतज़ार किया। तो भाई सुल्तान काबूस साहब के जाने के बाद जो भारी लोग हैं जो यहाँ पर जॉब वगैरह कर रहे हैं उन्हें भी बहुत नुकसान हुआ। उसकी वजह यह है कि जो वीज़ा की फ़ीस लगती है उनके बाद वो वीज़ा की फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। अगर मान लो 200-300 लगती थी तो 500-1000 भी कर दी, शायद ज़्यादा भी कर दी, थोड़ी बहुत मुझे इतना पता है कि वो 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ा दी है उनके जाने के बाद। तो पहले क्या था, यहाँ कोई फ़र्क नहीं किया जाता था कहाँ का देश का है, किस देश का है, कोई फ़र्क, लेकिन अब काम के हिसाब से मतलब पैसे ज़्यादा लगाने लग गए हैं। यहाँ पे भी भाई बहुत भीड़ लगी है, स्ट्रीट फूड की दुकान है। भाई कैसे हो, ठीक हो? चलिए बहुत बढ़िया। ये क्या है भाई? मैसूर बोंडा। किस चीज का बना है ये? पकोड़ा है, पकोड़ा है ये, पकोड़ा नहीं।
नहीं है पकोड़ा? नहीं, नहीं पकोड़ा नहीं। अच्छा भाई देना जरा खा के देखता है। यार हॉर्न मारते हैं यहाँ पे, किसी को बुलाने बुलाने के लिए हॉर्न मार देते हैं। भाई एक एक ये दो और एक ये वाला दो, सारे अलग अलग एक एक दे दो, है ना। ये हम मेरे को पता क्या है, ये बड़ा है, मेदू वड़ा है। मेदू वड़ा, मेदू वड़ा कहते हैं। तो आप कहाँ से हैं? तो ये मेदू वड़ा, ये तो साउथ इंडियन है सब, पूरा साउथ इंडियन। फिर चार नहीं, अलग अलग एक एक देता ना, सबका टेस्ट करता, एक एक सारा दे दो। और क्या क्या होता है हमारे पास पीने में? ये क्या है? जूस, गन्ने का जूस। क्या बात है। और कॉकटेल जूस कौन सा? कॉकटेल जूस मिक्स फ्रूट है। मिक्स फ्रूट है तो गन्ने का कौन सा तुम्हारा फेमस कौन सा है यहाँ? हमारे पास सभी। यार इतनी भीड़ लगा है, ज्यादा लोग क्यों खाता है, मतलब क्या खाता है? बस शुगर केन जूस पीते हैं, एवोकाडो पीते हैं, मिक्स फ्रूट पीते हैं, ऑरेंज पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं। जो तेरे को अच्छा लगता है एक वो दे दे, आप जो बोलेगा वही बनाएगा। गन्ना जूस भी अच्छा। गन्ना जूस दे दे भाई, एक गन्ना जूस भैया, और आइस बहुत कम, दो पीस आइस डाल के जिंजर लेमन डाल के गन्ना का जूस बनाऊं, टिकटॉक में आएगा। जो जल्दी बना के तुम लेके आओ इधर भाई के सामने लेके आओ जी, जल्दी लेके आओ भाई। ये है चटनी तो दी नहीं, टिकटॉक का अकाउंट में बराबर लगाओ। बहुत बढ़िया, बराबर लगाएगा भाई। ये मंगा लिया हमने, एक एक चीज सारी मंगा ली। हाँ ये वाला तो दो बड़ा, अरे भाई खा के देखते हैं क्या है। बढ़िया साउथ इंडियन डिश है, कहते हैं क्या क्या आपको पता होगा, ये देख लो प्लेट में। मुझे कम पता है क्या कहते हैं इसे, लेकिन बढ़िया, वेजिटेरियन आदमी कोई है तो उसका बढ़िया काम कर देंगे। बहुत भीड़ लगी हुई थी जब मैं जा रहा था यहाँ से, मैंने कहा ट्राई करते हैं। बराबर फेस उठाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू है, बाबूजी। बाबूजी कहाँ से? मैं बांग्लादेश के। बांग्लादेश? बांग्लादेश ढाका। ढाका, मेड इन बांग्लादेश ढाका। मेड इन बांग्लादेश प्योर, प्योर ओरिजिनल। क्या बात है। ये भाई बांग्लादेश ढाका से है बाबू भाई, मजे ले रहा था बहुत देर से। हम भी दिल्ली वाले हैं देख। अच्छा, बांग्लादेश के ढाका वाले, इंडिया के दिल्ली वाले और पाकिस्तान के कराची वाले, ये तीनों एक नस्ले हैं, ध्यान रखियो पंगे ना ले। अरे कराची वाले है ना तेज, दिल्ली वाले ज्यादा रहे हो, छुप के हो रहे हो, घर जा रहे हो। हंस रहे थे भाई, कह रहे हाँ सही कह रहे हो। अच्छा चलो भाई गुड। लॉगिन चल रही है? हाँ भाई। कटोरी विजिट पे आए? यस घूमने आया। अच्छा अच्छा चलो, अच्छा जी भाई। भाई भाई गन्ने का जूस भी ट्राई कर लिया, बढ़िया है, और अपने इंडिया में ज़्यादा बढ़िया होता है, कोई ऐसा खास नहीं है यहाँ पर कि भाई इंडिया में बिल्कुल नहीं मिलेगा ऐसा। जी बिल्कुल मिलेगा इंडिया में ऐसा, आम पटरियों पे मिल जाएगा, हो सकता है इससे बढ़िया मिले। बाकी ये भी बढ़िया भाई, दो तीन वो पकौड़े से ले लिए और गन्ने का जूस। बिल कितना? 800 पैसा। 800 पैसा, एक रियाल से कम बिल आया, 800 पैसा हो गया, 160 इंडियन रुपीस। यस सही है ना, समझ आने लग गया मुझे थोड़ा थोड़ा। लो बहुत शुक्रिया आपका बाबू भाई, ये ले मेरे प्यारे दोस्त, बुरा मत मानियो मेरी किसी बात का, ठीक है भैया। ले लग, ओके भैया शुक्रिया भाई। वीडियोस में देख के ऐसा मत समझना मैं बेकार का कोई मजाक करता हूँ या कुछ, बहुत देर पहले बात वगैरह होती है, उसके बाद कैमरा पे जो 10-20 सेकंड की आप क्लिप देखते हैं वो बात अलग होती है। तो जब किसी से प्यार हो जाता है या कोई हमसे प्यार से बात कर रहा होता तभी किसी से कोई हंसी मजाक की जाती है, ऐसा नहीं है। और बाद में जाते हो उससे हर बार मैं माफ़ी मांगता हूँ कि भाई किसी भाई को कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ करना, आपको भी कोई बात बुरी लग रही हो तो आप भी माफ़ करना, ऐसा कोई दिल में नहीं होता, बस घूम फिर रहे हैं। अब दिल्ली जाके तो बहुत काम करना पड़ेगा इस बार, ठीक है। तो कोई भी भाई बुरा मत मानना, चलते हैं आगे जी। रोड क्रॉस, यहाँ पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है लेकिन लोग रोड क्रॉस कर देते हैं वैसे ही आगे पीछे होके, तो कोई वो होता नहीं, चलान वगैरह हो जाता हो तो पता नहीं, आप लोगों को पता होगा बता देना। अंधेरा आ गया, आगे चलते हैं।